करनाल लोकसभा से दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और लड्डू बांटकर मनाई खुशी। दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस हाईकमान का जताया आभार, साथ ही भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा का भी किया धन्यवाद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट मिलने पर दिव्यांशु बुद्धि राजा को दी बधाई। बोले, दिव्यांशु बुद्धि राजा पहले भी युवाओं के उठा चुके हैं मुद्दे। कार्यकर्ता बोले, जो उत्साह युवाओं में होता है वो बुजुर्गों में नहीं होता। कांग्रेस नेता रमेश मलिक बोले, कांग्रेस ने युवा पर विश्वास जताया है, हमारे लिए खुशी की बात है और भारत देश भी युवाओं का देश माना जाता है। कांग्रेस नेता बोले, मनोहर लाल को पटखनी देकर इतिहास रचेगा बुद्धि राजा। ये बिल्कुल आप लोग भली भांति जानते हैं, युवा युवा ही होता है। जो एनर्जी, जो उत्साह युवाओं में होते हैं वो बुजुर्गों में नहीं होता, और पार्टी ने एक युवा पर विश्वास जताया है, ये सभी के लिए बड़े हमारे लिए उत्साह की बात है, हमारे लिए एक अच्छी बात है। वह हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और जैसा कि राहुल गांधी जी की सोच है, नए युवाओं को, नए युवा चेहरों को, और ये हमारा देश सबसे युवा ये देश है, हमारा युवाओं में गिनती होती है हमारे भारत देश की, तो इसलिए युवाओं पर विश्वास किया गया है। और युवा आप देखेंगे, अभी इलेक्शन जो इलेक्शन शुरू हुआ है, हमारे बुद्धि राजा ये अभी आए हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को टिकट मिली है, हम छोटे भाई को अपनी तरफ से, पूरे युवाओं की तरफ से, पूरे पानीपत की तरफ से, पानीपत ग्रामीण की तरफ से हमारे सारे साथी आए हैं, यहाँ पे युवा टीम आई है, उसकी तरफ से हम सभी भाई को हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए। और युवा जो एनर्जी भाई को देखा है, हमने पहले भी देखा है, युवा साथी रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी अध्यक्ष रहा है और NSCA का भी अध्यक्ष रहा है हमारा भाई, और उसने बड़े अच्छे नए युवाओं के मुद्दे उठाए हैं। पिछले 10 सालों में आपने 9 सालों में देखा है, इस BJP की नकारा सरकार के खिलाफ, अपने युवाओं की बेरोजगारी के खिलाफ लगा लो और नए नए मुद्दे लगा लो, जैसे दिन प्रतिदिन युवा कोई भी संघर्ष करता था लाठी चार्ज करते थे, भाई ने अच्छे से आवाज़ उठाई है। हम यही उम्मीद करते हैं हमारा भाई अपने युवाओं की मुद्दों को उठाएगा और आने वाले टाइम में हमारे मनोहर लाल खट्टर जी को पटकनी देकर नया इतिहास रचने का काम करेंगे। यहाँ पे जितने साथी हैं, यूथ कांग्रेस के, NSUI के और कांग्रेस के जितने भी साथी, आज एकदम से एकदम प्रोग्राम बना के भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट मिली है, इसके लिए हम हाईकमांड का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और हमारे अध्यक्ष खड़के जी का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और ख़ासकर हम भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, जिन्होंने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हरियाणा के भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दी है, तो उनका हम इस बात के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं और दिव्यांशु बुद्धि राजा को हम शुभकामनाएँ भी देते हैं कि उनका उज्ज्वल भविष्य है। और कांग्रेस में एक चीज़ और है कि किसी भी आदमी को, जैसे भी मतलब यूथ का जैसे चेहरा था, उसको आगे लाने के लिए ये नहीं है कि भाई किसी पुराने को टिकट देते हैं, नए आदमियों को, नए चेहरे को कांग्रेस में, ये कांग्रेस में ही हो सकता है ये परंपरा, भाई किसी भी यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, हर यूथ को हर स्टेट में टिकट दी है कांग्रेस ने, तो उसी के तहत यहाँ हरियाणा में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट मिली है। और ये भाजपा को परस्त करने के लिए, युवाओं के मुद्दे उठाने के लिए लगातार 5 साल इतने युवाओं के मुद्दे उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं के पेपर लीक के मुद्दे, हर मुद्दे पर हमारा छोटा भाई हर जगह खड़ा मिलता था, तो हमारी तरफ से भाई को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले इलेक्शन में जो अभी इलेक्शन है और जो मनोहर लाल खट्टर जी सामने हैं, जो पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं पूर्व में, क्योंकि उनकी निष्क्रियता देख कर ही आने में उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, तो ये आप सब भाइयों जानते हैं भाई, उन निष्क्रिय होने के बावजूद यहाँ करनाल पर थोप दिया गया, तो उसकी बराबर में हरियाणा यूथ कांग्रेस के भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट लिया, उसके लिए हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं और यहाँ मिठाइयाँ बांट के उसका खुशी का इजहार कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।